हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी स्नैक्स। जो अपने आप में एक कम्प्लीट फूड है, इसको हमने भिगोए हुए चावल और चने की दाल से बनाया है। ये हमने चने की दाल भिगो लिया था और इसमें से हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और इसमें हम फिलिंग्स को रेडी कर लेंगे। कढ़ाई में हमने जीरा, लाल मिर्ची, अदरक और लहसुन कुटा हुआ डाला है। अब जब ये थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाले ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये थोड़ा अच्छे से भून जाए तब इसमें हमने बॉईल करके आलू को मैश कर लिया है और उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, कुछ देर चलाएंगे, फिर धनिया पत्ती ऐड करेंगे। इससे सी बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और इससे सी इस काम से देंगे। इसे सारे हम बना के रेडी कर लेंगे। अब हम बैटर को रेडी करते हैं। हम बैटर में ग्रेटेड कैरेट डालेंगे, इसमें जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम इसको बिल्कुल ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक जो है चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाए। अब हम इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे इडली स्टैंड में ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब उसमें हम बैटर को इसमें फैला के इसमें मसाले डाल करके हम ऊपर से फिर बैटर को फैलाएंगे। इसे से हम सारे हम डाल करके इसी तरह से बना लेंगे। ऊपर से हम बैटर को फैलाएंगे। इसी तरह से हम सारा इसी तरह से हम बना लेंगे। ऐसे से बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। इसको हमने पानी गर्म करने को रखा है। अब इसमें हम स्टैंड को डाल करके इसको ढक देंगे और लगभग 20 से 25 मिनट तक इसको स्टीम देंगे। ये लगभग 20 मिनट से ज़्यादा ही हो गया थोड़ा सा। ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। इसको हम गैस से कर लेंगे। अब जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा तब इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे सारे स्पून की सहायता से। इसको एक एक करके सारा निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए कितना अच्छा बना है। ये बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है ये। देखिए इस तरह से कितना अच्छा बना है। आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें।
अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।